मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है। आज की वीडियो मैंने जिस लड़की से बात की है, उसे G20 की खुशी में मैंने बहुत ही फनी कन्वर्सेशन कर दी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़े से अपने प्रिय प्रधानमंत्री की याद आ रही थी तो उनकी आवाज़ निकलने की कोशिश कर रहा था। खैर, आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत ही फनी कन्वर्सेशन की है। बात को इतने प्यारे तरीके से खींचा है कि लड़की के खुद रिप्लाई आ रहे हैं, लड़की खुद इंटरेस्ट दिखा रही है। आप वीडियो को देखोगे, आप कहोगे कि क्या बात कर दी यार, सेठ भाई क्या कर दिया ये भाई बवाल। देखो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट की भीख भीख तो मैं मांगता नहीं हूँ, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया। आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो। चलिए फटाफट से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। मैसेज मैंने लड़की को ये किया कि मैंने इसको लिखा, आपको पता है जिसकी राइट आई के साइड में तिल होता है, और मैसेज छोड़ दिया। उसके बाद इसका रिप्लाई आया इमोजी बना के क्वेश्चन मार्क, फिर इसने बोला वो क्या, वो बोलना है कि नहीं। अरे, जिसकी राइट आई के साइड में तिल होता है वो इंसान चाहे तो सिर्फ अपनी आंखों से किसी भी इंसान से कोई भी काम करवा सकता है। मैं ही मिली हूँ जोक मारने के लिए। अरे, आप मजाक मान रहे हो इसे? वैसे ही दिन खराब जा रहा है, तुम लोग और कर दो। तुम लोग से क्या मतलब है, मैं एक ही इंसान हूँ। तुम लोग मतलब सारे लड़के परेशान करके रखा है, किसी को भी DM कर दो, ऐसे कौन मैसेज करता है, इसलिए सही पिटते हो तुम लोग। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मुझसे एक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी स्त्री को परेशान नहीं देखा जा रहा है। तू इस प्यारी सी बच्ची के सारे कष्ट हर ले भगवान, बस एक बार भगू, बस एक बार। उसने बोला व्हाट द फक, बट मैं उसका फुल फॉर्म इसे लिख के भेजा, वांट टू फ्रेंडशिप, ओ गॉड किस मिट्टी के बने हो। हाय हाय, इस जगत में कोई कदर नहीं किसी की, एक तो कोई किसी के लिए प्रे करे। क्यों कर रहे हो प्रे फिर, किसने बोला है? कौन होगा इस जगत में ऐसा पापी जो इतनी भोली भाली सुंदर स्त्री को परेशान देख कर दुआ न मांगे? ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुना देनी चाहिए। अच्छा। अरे पागल वागल हो गया, कुछ भी मतलब, क्या चाहते हो? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। हो कौन भाई, दूसरे प्लेनेट से आए लगते हो, तो आखिरकार आपको यही राज भी पता लग गया। कौन सा राज? अब देखो, मैं इसी की बातों में से अजीब सी बातें निकाल रहा हूँ, इमेजिनरी बातें निकाल रहा हूँ, जो कि पता ही नहीं, जो कि है ही नहीं रियल कुछ, पर फिर भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चैट इंटरेस्टिंग बनती रहे। तुम देखना लेवल, चैट का लेवल देखना कितना इंटरेस्टिंग है। अब इतना पूछ रही हो तो बताना पड़ेगा, नहीं जानना, जान बोलोगी अब। आई डोंट वॉन्ट टू नो लिखा है इडियट। खैर जो भी लिखा है, मैं आपको राज बता रहा था। तो ये सन 39 की बात है। तो इसने बीच में मैसेज कर दिया था, तो फिर मैंने बोला तो हुआ ये था कि पहले सुन लो यार, ऐसे बीच में ना बोलो। इसने बोला ओके ओके। अब लड़की भी इंटरेस्ट बना रही फुल। तो मेरी स्पेसशिप उस दिन शनि की ओर जा रही थी, जाते जाते मुझे दूर से पृथ्वी पर एक चमकीली सी चीज़ चमकती हुई दिखी। मैंने कहा कि ये क्या है, फिर मैंने अपनी दूरबीन से देखा, पता लगाने की कोशिश की, तो मुझे दिखी तुम। फिर शनि की जगह मैं उतर गया धरती पर और सब मंगल मंगल हो गया। यार तुम कुछ भी बोलते हो, मतलब ये क्या स्टोरी है? लड़की हंस रही है, लड़की को पूरा इंटरेस्ट आ रहा है चैट में, लड़की अपनी हो चुकी है, पर कोई लड़की तब तक पूरी अपनी नहीं होती जब तक, ये भी राज की बात है, मैं बताऊंगा नहीं। और फिर मैंने बोला इसे आप मजाक समझ रहे हो, मुझे डर लगने लगा है अब। क्यों डर क्यों लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ। आपकी चमक देख के और प्राणी ना आ जाए धरती पर, हो गया बस अब, इतनी फेंको जितनी झेली जाए। अरे सच में BKK, आपकी एक आंख के इशारे से मैं नीचे आ गया सारा जहान छोड़ के। मैंने कोई इशारा नहीं किया कुछ भी। अब वो पहले वाले मैसेज में मैंने BKK लिखा था, मेरे को याद नहीं मैंने क्या लिखा था। उसने लड़की ने ना वो पूछा नहीं क्या है, तो मैं बताता अगर वो लिखा होता, मैं पता नहीं भूल गया मैंने क्या शॉर्ट फॉर्म बनाई थी उसकी। अब मैंने इसे लिखा, तुम एक दिन चांद को देख रही थी रात में, और एज आई टोल्ड यू बिफोर, जिसकी आंख के पास दिल होता है, मैं हार गई, मुझे माफ़ कर दो एलियन जी, माफ़ी तभी मिलेगी जब, नहीं चाहिए माफ़ी, फिर कुछ उटपटांग बोल दोगे, जान गई आप मुझे हैं, ओ गॉड माफ़ी तो ले लो यार, जबरदस्ती जाओ जाओ कर दिया तुम्हें माफ़, पर माफ़ी तभी पूरी होगी जब बंदी बनोगी। अब यहाँ देखना शब्दों का कैसे हेर फेर किया है, बहुत ही खूबी से कलमकारी की गई है, लिखाई हुई है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक। अब इसने बोला दिमाग जगह पर है, अरे आई मीन जब मेरे साथ बंदी बनकर मंगल पे चलोगी,
हो गया आज के लिए बहुत, बाय। जाने वाले को कौन रख सकता है, बाय। इसके बाद इसका भी मैसेज कोई नहीं आया, मैंने भी इसे रिप्लाई नहीं किया। फिर थोड़ा शांति का दान देके फिर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है लड़की को, लड़की इंप्रेस हुई है तुमसे, साफ साफ दिख रहा है। थोड़े टाइम बाद थोड़ा उसे समय दो, अपनी भी थोड़ी याद आने दो, हो सकता है तुम्हें वो भूल भी जाए, पर थोड़ा सा दिमाग में होगा कि अच्छा इससे बात तो हुई थी। अब मैंने क्रिएटिव तरीके से दोबारा रिप्लाई किया है कि आने वाले को भी कौन रोक सकता है, हाय डार्लिंग। अब इसने हंसकर रिप्लाई किया कि हाय, मुझे ही याद कर रही थी, आई नो। हाँ यही काम तो है मेरे पास। देखो जब कभी कोई किसी को याद करना चाहता है तो सब काम होने के बावजूद भी उस बंदे की याद आ जाती है, याद तो वही है जो भीड़ में भी अकेला कर दे। अच्छा जी, लगता है बड़ा एक्सपीरियंस है आपको। आपको नहीं आती क्या कभी किसी की याद? नहीं, क्या फायदा किसी को याद करके। हाय हाय, किसी कमबख्त ने ऐसी फूल सी लड़की का दिल दुखा दिया है। किसी ने नहीं, जरूरी थोड़ी है सब ही का दिल दुखा हो। अरे मैडम यहाँ तो सभी दिल जले हैं। तुम्हारा किसने दुखा दिया? जिसके लिए मैं शनि छोड़ कर धरती पर उतर आया उसने, बात ही नहीं करती, देखा फिर भाग गई। आज बर्थडे है मेरा, थोड़ा बिजी हो गई थी। सच में बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे सुंदर श्री, थैंक यू। वो आपकी तो उम्र हर बर्थडे पर घटती होगी ना? क्या जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है आप तो और यंग होते होगे और ब्यूटीफुल। नहीं, नॉर्मल हूँ सबकी तरह, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे शब्दों का उपयोग मत किया करो, आपके मुख से थैंक यू सॉरी नहीं जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, तुम लड़के तो स्वीट हो, तुमने क्या चक्कर देखा यार? मतलब नेचर वाइज ज्यादा स्मार्ट बनते हो, वैसे हूँ तो बनूंगा ही, वैसे चक के भी देखो तो मुझे कोई हर्ज नहीं। जी नो थैंक्स। हाय शर्माती बहुत प्यारी हो आप, दिल ही आ गया मेरा तो। अब आगे इस चैट में क्या हुआ है ये तो आपको वीडियो को लाइक करके कमेंट करके पता ही चलेगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या क्या कमाल के मैसेज मैंने किए हैं इस लड़की को। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखिए पार्ट टू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अलविदा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।